नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में जारी एवं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जे आर नारायण, शेषमणि शुक्ला, संत विनायक महाराज, राजेश चतुर्वेदी, श्रीकांत पांडे, गौरी आर बी शुक्ल, चंद्र प्रकाश मिश्रा, रामदयाल राकेश, रत्न सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार सिंह आदि कई लोग धरना में शामिल हुए। विभिन्न समस्याओं को लेकर मऊगंज तहसील के अंतर्गत शासकीय तालाब के अतिक्रमण को हटाया जाए और तालाब की मरम्मत करके उसकी सफाई कराकर तालाब का स्वरूप बरकरार रखा जाए। ग्राम पाड़र तहसील मऊगंज के अंतर्गत पाड़र में अराजी नंबर 587 में एक आम रास्ता है जो बंदोबस्त के समय से भू अभिलेख में दर्ज है। यह एक शासकीय रास्ता है। उक्त शासकीय जमीन को ग्राम पाड़र के भूमाफियाओं के द्वारा शासकीय रास्ते को अतिक्रमण कर दिया गया और गांव के लोग रीवा कलेक्टर, रीवा कमिश्नर एवं मऊगंज तहसील के सामने धरना एवं अनशन कार्यक्रम चल रहा। सायकाल अनुभागीय अधिकारी एपी द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया एवं कहा गया कि मजबूर होकर तहसील कार्यालय के सामने धरना एवं अनशन में बैठे अनुभागीय अधिकारी द्वारा 7 दिवस के अंदर ग्राम पाड़र के आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाया जाए एवं अंत में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा है कि 7 दिवस के अंदर यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मऊगंज तहसील के सामने उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। उसमें हम यही आग्रह कर रहे हैं कि ये समाप्त किया जाए जी। और अधिकतम हफ्ते, अधिकतम मतलब 10 दिन, उससे आगे नहीं जाएगा। 10 दिन ज्यादा? हाँ, ज्यादा अधिकतम मैं कह रहा हूँ। 5 दिन मैं तो हफ्ते भर की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक है। पर आज सोमवार है। हाँ, हो गया तो अगला सोमवार तक आपके द्विवेदी जी की बात मान लेते हैं कि अभी क्या पितरपक्ष चल रहा है, फिर नवरात्र आ जाएगी तो यहाँ आ गए थे कौन मसला चाहिए तो एक हफ्ता है और 1-10 मिनट का काम है। बहुत अच्छा प्रयास किया तहसीलदार साहब ने, लेकिन अधूरा प्रयास किया। नहीं करेंगे, बात हो गई हो गया। अधूरा मैं खुद भी आऊँगा, प्लांटेशन करवा दिया तक जब वहाँ तो हम ही करा दे। ऐसा कर दीजिए आप, आगे कर दो, प्लांटेशन करा दो वहाँ पे, बढ़िया है। अतिक्रमण को ज्ञापन दे। ठीक, तो फिर हम लोग अगले सोमवार को, यदि नहीं हुआ तो अगले सोमवार। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।